नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को कल एक साल पूरा हो गया है। साल भर बाद एम्स के मेडिकल बोर्ड की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में ये कंफर्म किया गया है कि सुशांत की मौत आत्महत्या से हुई है। वहीं सीबीआई द्वारा गठित एम्स की फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को सुबह लगभग 10:10 में आत्महत्या की है। कहा कि सुबह उन्होंने 9:30 पर पानी और अनार का जूस पिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने घर के नौकर से ये दो चीज मंगाई थी। जूस और पानी को मुंह से गॉल ब्लैडर तक जाने में कुछ वक्त लगा। इसके अलावा सुशांत के शरीर में चोट के कोई निशान नहीं है। इसके अलावा शरीर में शराब भी नहीं है। वहीं फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत का कारण एस्फिक्सिया बताया गया है। एस्फिक्सिया तब होता है जब आपके शरीर को आपके पास से बाहर रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यदि सुशांत ने शराब या सिगरेट पी होती तो एस्फिक्सिया के कारण उनकी मौत का पता लगाना आसान नहीं होता। वहीं गर्दन पर निशान लटकने के कारण है। एम्स के मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि हमने अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। एम्स का मेडिकल बोर्ड मुंबई पहुंचा था और उसने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया ताकि गर्दन के निशान की जांच कर सकें। सुधीर गुप्ता के मुताबिक हमारी टीम में 7 डॉक्टर थे। हमारी टीम की 5 से 6 घंटे तक मीटिंग चली। इसमें सभी ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि उनकी मौत एस्फिक्सिया के कारण हुई है, जो एक सुसाइड है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।